नमस्कार साथियों, हिमाचली तड़का चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। ये मैंने मीडियम साइज़ के 3 आलू ले लिए हैं और ये 100 ग्राम के लगभग पनीर है। तो हम आलू और पनीर को अच्छी तरह मैश करने से पहले पनीर को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से हम कद्दूकस ले लिया है, जिसमें हम फटाफट से इसको कद्दूकस कर लेंगे। मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम आलू और पनीर को अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से मिला देंगे। अब मैंने पनीर और आलू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम जिस भी आकार के आप बनाना चाहें उतना ले ले। और मैंने यहाँ काजू के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। हम इनको एक टुकड़ा लेके काजू का इसमें भरेंगे और फिर इसको गोल करके रखते जाएंगे। इस तरह से आप ध्यान रखें कि गोला इस तरह से बनाएं ताकि हमारे कोफ्ते फटे ना। तो हम सारे पेस्ट के इस तरह से गोले बना लेंगे। आप बीच में किशमिश भी भर सकते हैं काजू की जगह, अगर आपको अच्छी लगती है तो। अब हमने सारे पनीर और आलू से कोफ्ते बना लिए हैं। अब हम इनको, ये मैंने थोड़ा सा चावल का आटा ले लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप मैदा भी ले सकते हैं। और इनको हम थोड़ा इसमें कवर कर लेंगे ताकि हमारे, जब हम इनको फ्राई करें तो ये चिपके ना। तो इन सबको हम, मैंने चावल का आटा ले लिया है, इनको हम इसमें इस तरह से रख देंगे। कोफ्तों को मैंने कवर कर लिया है चावल के आटे से। तो अब हम इनको रेस्ट करने के लिए 4-5 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो पैन हमारा गर्म है, इसमें ये मैंने 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अब हम प्याज, लहसुन की कलियां हैं 2 प्याज जो मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है, और जीरा मैंने इसमें, इनको हल्का सा फ्राई कर लूंगी। साथ ही प्याज और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाएगा। इसमें मैंने कड़ी पत्ता भी डाला है, जिसको थोड़ा फ्राई करने से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। इसको हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। मसाला हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम 2 टमाटर हैं जो इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा नमक ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। और टमाटर का कच्चापन भी खत्म हो जाए, फिर इसके बाद में हम ग्राइंड करेंगे। अब हमारे टमाटर भी काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनको गैस बंद करके ग्राइंड करेंगे, लेकिन अभी इसको, ये थोड़ा ठंडा ठंडा होने का इंतजार करना पड़ेगा। इसमें हम थोड़ा हरा धनिया भी डाल देंगे, इस तरह से मैंने लिया है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे। हमारे कोफ्ते एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम हल्के से दूसरी तरफ से भी ब्राउन करेंगे। अब हमारे कोफ्ते तल के तैयार हैं। अब हम इनमें तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने दही भी एक कटोरी रखी है, और ये काजू हैं 6-7 काजू, जिनको मैंने
थोड़ा पानी में भिगो दिया था। अब दही और काजू को दोनों को मैं ग्राइंड कर लूँगी। कढ़ाई में हमारे थोड़ा सा तेल, 2 चम्मच के लगभग तेल है, जिसमें हमने कोफ्ते बनाए थे उसी कढ़ाई में हम तड़का लगाएंगे। तो तेल हम थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी मसाले को फ्राई कर लिया था। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डालेंगे और ये तेज पत्ता, तेज पत्ता आपके पास ना हो तो कोई बात नहीं। और अब हम प्याज, लहसुन और टमाटर जो हमने ग्राइंड कर लिए हैं, इसमें थोड़ी हल्दी, 1 चम्मच हल्दी डाल देंगे। मसाला हमारा पहले ही भुना हुआ है तो इसलिए हम ज्यादा इसमें भुनेंगे नहीं। अब इसी के साथ मैं इसमें दही और जो काजू का पेस्ट था उसको भी इसी में डाल देते हैं। दही हमारा ज्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका टेस्ट मलाई कोफ्ता का टेस्ट शाही पनीर की तरह होता है, थोड़ा मीठा मीठा सा। तो अब हम इसको अच्छी तरह से, इस ग्रेवी को थोड़ी देर उबाल लेंगे। अब हमारी ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे ये 2 लौंग, दालचीनी चुटकी भर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा और मीठा मीठा सा होता है जो इसमें बहुत अच्छा लगता है, और सौंफ, बड़ी इलायची 1 जो मैंने दरदरी कूट के इसमें रख दिया है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। और कुछ नमक, क्योंकि नमक हमने पहले थोड़ा डाला था तो हम 1 चम्मच नमक इसमें डाल देंगे। आप टेस्ट के अनुसार डालें, अगर आपको मीठा टेस्ट इसका अच्छा लगता है, तरीका जो शाही पनीर की तरह होता है, तो आप इसमें 1 चम्मच चीनी का भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच अगर नहीं तो ऐसे भी, ये बहुत अच्छा लगता है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी जो मसाला पीसने से ग्राइंडर में बचा था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। इसको हम थोड़ा और उबालेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे कोफ्ते फटे ना, और ना ही कढ़ाई में जब हम इनको तलें तो नीचे ना लगे, बस इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो अब हम इसको थोड़ी देर और काटते रहेंगे। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है और थोड़ी गाढ़ी भी हो चुकी है, तो अब हम इसमें मिर्च का 1 चम्मच डाल दूंगी जो मैं भूल गई थी। अब हम इसमें ये मलाई है जो रेसिपी है उसी का एक विशेष महत्वपूर्ण हिस्सा, मलाई कोफ्ता। और ये नारियल, हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने तक इसी तरह से कढ़ाई में रखेंगे। साथियों, हमारी ग्रेवी अब ठंडी हो चुकी है। मैंने इसमें कोफ्ते डाल दिए हैं और इस रेसिपी को हम बार बार गर्म नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं कोफ्ते, तो ये गल जाएंगे। या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि जब सर्व करना हो तो कोफ्तों को अलग से रख दिया और ऊपर से हम ग्रेवी इस तरह से डाल दें, इस तरह से भी हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो हमारी आज की ये शाही रेसिपी तैयार है। साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप जी भर के शेयर करें और घर में आप जरूर इसको ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।